हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था जल विभव, वाटर पोटेंशियल, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आज हल करेंगे। जल विभव, वाटर पोटेंशियल, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप टॉपिक क्लियर होने के बाद में आपको मेन रूप से एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चनों पर आपको ध्यान देना है। जैसे उससे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जो आपको मैं हल करा रहा हूं, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका है एक्स, ये कोशिका वाई और ये कोशिका जेड। इसमें जल विभव का मान लिखा हुआ है साई एस बराबर -15, साई पी बराबर 10, y के लिए साई एस बराबर -9, साई पी बराबर 5, यहां पर साई एस बराबर -12 और साई पी बराबर 8। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नीचे कोशिका x, y और z दी गई है, तो इनमें जल प्रवाह की दिशा क्या होगी? तो आपको जल प्रवाह की दिशा बतानी है। जल प्रवाह की दिशा पूछा जाएगा, जल प्रवाह की दिशा किस प्रकार से निकालें कि आपको ध्यान है कि जल विभव की गणना पहले, सबसे पहले आपको जल विभव की गणना करनी है। प्रत्येक कोशिका के लिए जल विभव का मान निकालना है। जैसे सबसे पहले इसके निकालेंगे साई डब्लू बराबर, आप क्या होता है साई एस प्लस साई पी। अब साई एस का मान यार लिखा हुआ है, आप आराम आसानी से निकाल लेंगे कितना है 15 बार और साई पी बराबर कितना है 10 बार, तो यहां पर साई डब्लू बराबर कितना होगा -5 बार। क्लियर समझ गए होंगे शायद। सीधा आप सूत्र लगाएंगे और x का साई डब्लू का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आप इसका y का निकाल लेंगे, साई डब्लू बराबर -9, साई s का मान है और इसका मान कितना है 5, तो यहां पर साई डब्लू बराबर क्या हो जाएगा -4। इकाई लगा देंगे बार या बार्स। ये दो मान आपने x और इसका निकाल लिया, इसी प्रकार से z का निकाल लेंगे। इसका निकालेंगे साई डब्लू बराबर साई एस साई पी, तो साई एस का मान कितना है -12 है और साई पी का मान कितना है 8 है, तो साई डब्लू बराबर -4। तो ये आपने एक्स वाई और जेड का निकाला है, हमें निकालना है जल प्रवाह की दिशा कि कौन सी कोशिका से किसमें जाएगा, क्योंकि आपको पहले बताया गया था कि जल विभव होता है, जल प्रवाह की दिशा बताता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल कैसे जाएगा, अर्थात जल का बहाव होता है जो उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर। यदि हम बात करें ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका मान कितना है आपको यहां बता देता हूं, -5 है और इसका कितना है -4, तो उच्च मान कौन सा है -4 है -5, तो कौन सा है -4 है, तो जल किधर जाएगा वाई से एक्स में जाएगा।
इसी प्रकार से हम बात करते हैं एक्स और जेड की बात करेंगे, इधर कितना है -5, इधर कितना है -4, तो ज्यादा कौन सा है -4 है -5 की तुलना में, तो जेड से किस में जाएगा एक्स में जाएगा। और यदि वाई और जेड की बात करें तो इधर कितना है -4 और इधर कितना है -4, इसका मतलब इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ध्यान रहे। तो ये अपने पास जल प्रवाह की दिशा है। अब आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, मैं आपको बता दूं कि जैसे ऑप्शन ए है, ये नीट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं हल करा रहा हूं, ध्यान देंगे आप कि ऑप्शन यहां जैसे अपने पास कोश का कौन सी लिखे एक्स लिखी है, इधर कौन सी है वाई और इधर कौन सी है जेड, तो तीर के निशान अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं इधर जा रहा है ऑप्शन ए, आपको इस प्रकार से मिलेगा। ऑप्शन बी चेंज कर देगा कि जैसे ये एक्स है तो इधर आप तीर लगा देगा, ये वाई है और ये आप कौन सा है जेड, गलत बना देगा। तो अपना ऑप्शन इसके आधार पे कौन सा बन रहा है, ए वाला बन रहा है, ऑप्शन और भी होंगे तो आपका ऑप्शन आपको ध्यान रखना सही के ऊपर जाना। इस प्रकार से निकालना है आपको कि जल विभव का मान इस प्रकार से निकाल पाएंगे कि जैसे अपने पास वाई से एक्स में जा रहा है तो तुरंत तीर का निशान देख लेंगे, इधर इसी प्रकार से इसमें भी आप ये देख लेंगे तो अपने पास ऑप्शन क्या होगा ए होगा। तो किसी भी कोशिका के जल विभव की मान की गणना करेंगे और जल प्रवाह की दिशा आप निकाल सकते हैं, यह आपको ध्यान, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जल विभव की गणना करते समय या जल प्रवाह की दिशा बता सकते कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जल का बहाव होता है जो उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर, यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे कि पहले आपको जल विभव की गणना करते समय मैट्रिक विभव को ध्यान में नहीं रखेंगे और साई डब्ल्यू बराबर हमें किसकी गणना करना है साई एस और साई पी की, और उसके बाद में साई डब्ल्यू बराबर निकाल के हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जल का बहाव होगा जो उच्च जल विभव से क्या होता है निम्न जल विभव की ओर। और भी क्वेश्चन हल कराऊंगा जो अगली क्लास में कराऊंगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।